द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये बुद्धिस्ट समुदाय का प्रतिनिधित्व संगठन है जिसकी स्थापना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4 मई 1955 को की थी, लेकिन आज बुद्धिस्ट समुदाय इस संगठन को उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है। साथ ही साथ संगठन में निर्माण हो रहे प्रश्न आदि विषय पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव V.S. माकड़े द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया। देश की राजनीति का परिवर्तन समाज कार्य के लिए करने के उद्देश्य से साथ ही साथ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से देश में बंधुता एकता एवं मूल्यों का अंकुरण यह द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो आज बुद्ध समुदाय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा स्थापित इस संगठन को आवश्यक तवज्जो नहीं दे रहा है। साथ ही साथ आज समाज में बौद्ध समुदाय पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, विवाह समारंभ में कर्मकांड किए जा रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन द्वारा बौद्धों को संरक्षण नहीं मिल रहा है और समाज में आज धम्म दीक्षा कार्यक्रम बंद हो चुके हैं। ये बड़े प्रश्न संगठन में निर्मित आंतरिक प्रश्नों के कारण उत्पन्न हुए हैं, जिसके चलते संगठन में कार्यरत मंडलियों द्वारा जमा किए गए बदली आवेदन को पीछे लेकर सहकार्य करने की अपील संगठन महासचिव V.S. माकड़े ने की है, जहाँ उन्होंने संगठन के लिए त्याग करने की अपील भी संबंधित सदस्यों से की। चेयरमैन जो बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के धर्मदायित्व बनाता है, उस धर्मदायित्व ने बनाए हुए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के इलेक्शन में चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। उसका इलेक्शन होता है, वो भी चेयरमैन केवल एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो आज के तारीख में इस संस्था को कोई भी चेयरमैन नहीं है, जिसका कृपया सभी लोग। NBC News के लिए अजित कुंवर के साथ मनीष टेम्बरे की रिपोर्ट।